तो कुछ इस तरीका से आप अपना बैनर को डिजाइन कर सकते हो बड़े ही आसानी से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बैनर डिजाइन कैसे किए जाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन खुला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको न्यू पे क्लिक नहीं करना है तो शॉर्ट कमांड का भी आप यूज कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल एन प्रेस करके आप इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा नाम डालने का ऑप्शन है, जैसे बैनर का कोई भी नाम हम अपना डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पे रेजुलेशन में चले जाना है साइज में, और साइज में आपको कस्टम साइज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साइज पे जाने के बाद यहाँ पे विडिट और हाइट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले इंच में सेलेक्ट कर लेना है, और इंच में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी साइज एंटर कर लेना है जिस साइज में आपको बैनर या फ्लैक्स को डिजाइन करना है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर अपना साइज को एंटर कर लेते हैं। तो अभी हम अपना यहाँ पे साइज एंटर कर लिए हैं। जब आप विडिट और हाइट एंटर कर लें तो नीचे रेजुलेशन में आपको जो भी 100-200 रखना है रख लें। उसके बाद यहाँ पे जो मोड है, इस मोड को आप RGB या CMYK रख सकते हैं, तो CMYK भी रख सकते हैं, और मैं अभी फ़िलहाल इसको RGB में रखता हूँ। और RGB में सेलेक्ट करने के बाद ये आपका साइज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल ओके में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास इस तरीका का साइज बनके तैयार हो जाएगा। तो अब आपको बारी आता है कि आप इसमें डिजाइन कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो फिलहाल अभी मैं मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे बैनर डिजाइन करने के लिए अभी हमारे पास ज्वेलरी का डिजाइन है, तो यहाँ पर हमारा कुछ PNGs है, जो इस PNGs को मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। तो फिलहाल आपको इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इस तरीका से आपको ड्रैग करके अपने बैनर में लेके चले आना है, और कंट्रोल टी दबाएंगे, और कंट्रोल टी दबाने के बाद यहाँ पर आपको भी आपको आ जाएगा। लेकिन इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको डिलीट कर दिया हूँ। तो कुछ इस तरीके के जब आपका PNG ओपन हो जाएगा तो इस PNG को आप डायरेक्टली अपने फोटोशॉप यानी कि अपने पेज में ले सकते हो। इस PNG को बनाने के लिए मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा कि आप कैसे किसी भी फोटो का PNG या बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव टूल्स में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा बिना बैकग्राउंड वाला है, तो यहाँ पे टूल्स बारे में आपको इसे मूव टूल्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीका से ड्रैग करके अपने बैनर वाला साइज में आपको लेकर के चले आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीका से आप यहाँ पे रख देंगे फोटो को, और कंट्रोल टी दबा के इस तरीका से इसको शिफ्ट होल्ड करके इसे खींच लेंगे, तो ये आपका साइज एक्चुअल में जो कि रहेगा, और भी आपका बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ से ये ज्वेलरी का फोटो है, सभी को सेलेक्ट करके एक साथ हम अपने फोटोशॉप के अंदर खोल लेते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद मैं यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया लेकर के आऊँगा, एक एक करके इसको ड्रैग करके अपने बैनर में लेकर के चले आना है, और इस तरीके से हम पीछे वाला इमेज को भी क्लिक क्लोज करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको क्लोज करते जा रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते जा रहे हैं। अभी हम इसको भी क्लोज कर दिए। अब ये हमारा बारी आता है कि इसे हम रिसाइज कर लें। तो सबसे पहले इसको आप अपने पोजिशन में सेट कर लें, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे पोजीशन में इसको आसानी से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये मूव टूल, तो मूव टूल में सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑटो सेलेक्ट लेयर पे आपको चेक मार्क कर देना, या जैसे कि आपके पास अनचेक रहेगा तो आपको चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद क्या होगा कि आप कोई भी लेयर को आप पकड़ के इधर उधर खींचेंगे तो ये आसानी से इधर उधर मूव हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया। अब हम इसे सबसे पहले इसे एक एक करके रिसाइज में कर देते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको साइज पे कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे टेक्स्ट लिखने की बारी आती है। तो यहाँ पे टूल्स बार में टेक्स्ट टूल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करके उसके बाद कुछ लिख देंगे, थोड़ा बहुत कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद इसका यहाँ पे साइज को हम यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा लिखा हुआ ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, और टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके इसे ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कुछ यहाँ पे अब हम नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कृष्णा ज्वेलर नाम ले देते हैं हम। तो यहाँ पे कृष्णा ज्वेलर यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है। कृष्णा ज्वेलर लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कृष्णा ज्वेलर लिखा गया है। अभी हम फिलहाल इसको इस तरीके से कंट्रोल टी दबा करके इसको हम बड़ा छोटा कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इतना एडजस्ट होने के बाद ये हमारा एडजस्ट आसानी से हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसे नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे बीच में हमें कुछ एड्रेस लिखना है, तो फिलहाल यहाँ पे फिर से दोबारा टेक्स्ट टूल लिया हम इस तरीके से, और इसका यहाँ पे फॉन्ट हम यहाँ पे कोई अलग फॉन्ट दे देंगे क्योंकि मुझे एड्रेस लिखना है। तो फिलहाल अभी मैं इसी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट नहीं है दोस्तों, तो आप हिंदी फॉन्ट आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे, और कैसे फोटोशॉप में हिंदी टाइप करते हैं उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे।
तो उसे भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पता लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम अपना पता लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा बैनर शॉप का जो बैनर है उसका जो पता होगा, मैं यहाँ पे उसको पता डाल देता हूँ। पता लिखने के बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे कोई और फॉन्ट आप दे सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कोई एक और फॉन्ट लगा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा बोल्ड और हार्ड फॉन्ट हो जाए और देखने में थोड़ा सा एड्रेस भारी भरकम लगे। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैं फॉन्ट को चेंज कर दिया हूँ, और उसके बाद कंट्रोल टी दबाया हूँ, और इस तरीके से इसको बड़ा छोटा एडजस्ट करने के लिए मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इतना होने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें, इस जैसे कि ये ऑफर वाला फॉन्ट है, इसे भी थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट अभी हम कुर्ती दिए 630 का नंबर का फॉन्ट लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही डालेंगे अभी देख सकते हो ये फॉन्ट हमारा भारी भरकम हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम इस फॉन्ट को ऐड कर लिए हैं, और इस फॉन्ट को ऐड करने के बाद इसे हम भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, फिलहाल अभी हम इसे एडजस्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो डायरेक्ट हम टाइम बचाने के लिए हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको लिखने की प्रक्रिया हम आपको पूरे आसानी से बता चुके हैं, तो इस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ मैं अपना। तो ये चीज़ तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप कहीं अलग जगह पर लिख के रखे हो तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम टाइम को बचाने के लिए हमने ये चीज़ें को कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें फैंसी आभूषणों के निर्माता ये हमने लिख दिया, पता तो लिख ही दिया, कैसे लिखना है, कैसे फॉन्ट चेंज करना है, उसका साइज कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ें आपने इस वीडियो में देखा है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, उसका साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला हम यहाँ पे जैसे कि इसकी विशेषताएं हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, तो उस विशेषताएं को हम भी यहाँ पे इसके भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो इस बैनर में मुझे जो भी चीज़ें लिखना था, जो भी कंटेंट लिखना था, जो भी फोटो लोगोज लगाना था, वो हमने लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आता है इसका कलर बैकग्राउंड की, तो इसमें हम बैकग्राउंड कौन सा कलर देने वाले हैं, इस चीज़ों पे हम अभी आप बात करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड को लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में चले जाना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चूज करने के लिए मुझे गूगल में जाकर टाइप करना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड टाइप करने के बाद आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद आए आपके बैनर से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आपको ढूंढ लेना है। और जब आपका बैकग्राउंड आप चूज़ कर लें, यानी पसंद कर लें कि आपको इस वाले बैकग्राउंड को लगाना है, तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से आपको राइट क्लिक करके, और उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस कर देना है इस बैनर में आके, और उसके बाद कंट्रोल टी भी दबाना है। उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म को इसको बड़ा कर देंगे बैकग्राउंड को, और इस तरीके से बड़ा होने के बाद चारों साइड से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा ये एडजस्ट हो चुका है। जब आपका बैनर को यहाँ पे ऐड करने का काम जब खत्म हो जाए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चले जाना है, जैसे कि इसका टेक्स्ट यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और ह्यू को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाएंगे हटाएंगे, तो आपका कलर यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड इसका कलर मैंने यहाँ पर रेड कलर ले चुका हूँ, और यहाँ से अभी मैं इसका थोड़ा सा इसको ब्लरनेस कर देता हूँ, पीछे में टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिल्टर में जाके आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, गोजन ब्लर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से बड़ा घटा के देख लेना है, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ब्लर हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह डालने वाला हूँ स्ट्रोक, तो LYK प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे Alt LYK प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रोक लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रोक का साइज वाइट यहाँ पे बढ़ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे पता जो एड्रेस जो है उसमें भी हम थोड़ा सा यहाँ पे LYK प्रेस करेंगे, Alt के साथ LYK प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका भी स्ट्रोक कलर को वाइट कर देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से वाइट कर दिया, और किसी भी चीज़ों को चेंज करने के लिए कलर आपको LYB का प्रेस करना चाहिए, तो जब जाके आप किसी भी टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो अंगूठा रिंग वगैरह दिख रहा है, इसको यहाँ पे LYD प्रेस करेंगे, Ctrl LYD, इस शॉर्ट कमांड को आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो लगाने वाला हूँ, जैसे व्हाइट कलर का हमें, तो यहाँ पे इस तरीके से इस सब चीज़ों को मैं सेटिंग जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट कलर हमने ले लिया, और इसे यहाँ पर मैं इसे अभी फिलहाल ओके करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे न्यू स्टाइल करके ओके कर देंगे ताकि ये वाला स्टाइल सेव हो जाए। और विंडो में चले जाना है, और यहाँ पे स्टाइल में चले जाना है, और यहाँ पे अब आपको यही वाला स्टाइल यहाँ पे लगाना है सब में, तो इसे सेलेक्ट करते जाएंगे और स्टाइल वाले सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा इस तरीके से ये डिज़ाइन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना बैनर को डिज़ाइन कर सकते हो बड़े ही आसानी से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको सेव करने के लिए दोस्तों फाइल में जाना है और सेव में क्लिक करना है, और सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट में आपको TIF सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। TIF जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल नाम में आपको कोई भी फाइल नाम दे सकते हो, जैसे मैं फिलहाल अभी यहाँ पे बैनर लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे हमारा बैनर लिखा गया है, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अभी हम चल के आपको दिखाते हैं कि हमारे फोल्डर में ये फाइल सेव हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब जो हमारा ज्वेलरी था ये सब PNG, और ये हमारा रहा ये वाले बैनर। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का बैनर आप अपने फोटोशॉप में डिजाइन कर पाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछना तो आप हमें कमेंट करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।